हाँ जी बेटा, स्वागत है तुहाडा एक बार फिर। अज की इस वीडियो में आप डिस्कस करांगे 8वीं जमात लई साइंस की प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज 6 लास्ट पार्ट। पहलियां 5 प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज नैस बुकलेट में आप हल कीतियां सीगियां, तो मैं उम्मीद है भी तुसी वो समझ लिया होनी है बहुत वधिया ढंग नाल, ते अपनी नैस बुकलेट दे विच उन्हां दे सही आंसर भी टिक कर ले होंगे। ठीक है बेटा, तो अब आप लास्ट पार्ट अपना डिस्कस करांगे। आज दी वीडियो नूं तुसीं बड़े ध्यान नाल समझना, ठीक है, ताकि 12 नवंबर में होने वाले नैस विच या टर्म 1 विच तुसीं वधिया नंबर लैके पास हो सको। ठीक है बेटा, चलो स्टार्ट करते हैं अपना। किसानों नूं अपने खेतों में सिंचाई करदिआं देख सुनीता अपने दादा जी तो पुछदी है कि फसलों नूं सिंचाई की लोड़ क्या हुंदी है, तां दादा जी ने उसनूं की उत्तर दिता होगा। तो साडे कोल ऑप्शनज ने, पानी है जिहड़ा बीजां दे पुंगरन लई जरूरी है, ये बिल्कुल सही है। पानी मिट्टी विचले पोषक तत्तां नूं पौद्यां तक पहुँचाउंदा है, ये भी सही है। पानी गर्म अते ठंडियां हवावां तों फसलां नूं बचाउंदा है, मतलब ये सारे प्रम जिहड़े सही है। ये लई उपरोक्त सारे ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन है जिहड़ी सही आऊगी। नैक्सट, जैसमीन दे पिता जी अपने खेतां विचों अणचाहे पौद्यां नूं हटा रहे सन। ये देखदे आं जैसमीन ने पुछिआ कि इस प्रक्रिया का की नाम है, तो उसके पिता जी ने की जवाब दिता होगा, की बोलते हैं भी इसनों की बोलते हैं, गोडी। अणचाहे पौद्या बाहर कढ़ना उसनों गोडी बोलते हैं। वह खुरपे नाल ज़्यादातर जी गोडी वह की जाती, कसौले नाल, ठीक है, कसीए नाल गोडी की जाती, कई नाल या खुरपे नाल। संकटकालीन जंगली जीव दिया कोई दो प्रजातियों के नाम दसो। काले हिरन, सफेद अखा वाले हिरन, ये भी संकटकालीन ने, मतलब खत्म हो रही ने। सुनहरी बिल्ली, गुलाबी सिर वाली बत्तख, ये भी है, भी अजगर ते गैंडा, ये भी है, मतलब तीनों ही ने। तो साड़ी ऑप्शन कड़ी सही आजगी, उपरोक्त सारे ऑल ऑफ द अबव। रमन की माता ने रमन नू मुर्गी का उबलिया अंडा कट के खाने दिता, तो इसके पीले भाग में की कहेंगे। देखो बेटा, दो पार्ट होंगे ने अंडे दे विच, एक हुंदा विचकार पीला भाग, ठीक है, विचकार जिहड़ा पीला भाग हुंदा ए वाला, इस नूं असीं बोलदे आ योक। की बोलदे आ जी असीं इहनूं? योक। ते जिहड़ा वाइट वाला पोर्शन हुंदा इहदा ए वाला, इस नूं असीं बोलदे आ एल्ब्यूमिन, ठीक है, इहनूं की बोलदे आ असीं? एल्ब्यूमिन। ते जिहड़ा पीला भाग आ उस नूं असीं की बोलदे आ? योक, YOLK, मतलब असीं पीले भाग नूं की कहांगे? योक। पंजवां क्वेश्चन, अध्यापक ने जमात में दस्या कि कुछ जीव अजिहे हैं जिन्हां विच बाहरी निषेचन हुंदा है, हेठ लिखे विचों किहड़ा, किहड़े जंतु की उदाहरण बाहरी निषेचन लई सही है, किहड़े दी भी? डड्डू, मतलब ये अंडे देंदे ने बाद दे विच, उन्हां दे विचों ही, मतलब कह लिए आपां प्रजनन हुंदा है, अंडे अंडे विचों बच्चे निकलते हैं, तो की है उहदी उदाहरण भी बाहरी निषेचन की? डड्डू, फ्रॉग। नैक्सट, जेकर दो समतल दर्पणा विचकार कोण 90 डिग्री का हो, बने प्रतिबिंबा की गिनती किन्नी होगी? तो ये अपने को फॉर्मूला हों, 360 बटा थीटा, थीटा मतलब आप जिन्ना दिता कोणा दे विच एंगल किन्ना दिता है, किन्ना दिता भी 90, तो यह सी तुसी भाग कर लो किन्ना आजूगा 4। जे ईवन आ जाए, ठीक है, मतलब यह जिस्त आ जाए 360 बटा थीटा, जे इन्हों भाग करके ईवन नंबर आ जाए, जिस्त आ जाए, तो जी प्रतिबिंबा की संख्या है वो ये एक माइनस करके आऊगी, तो कितनी आऊगी? 4 दे विचों असीं एक माइनस कर देंगे, कितना आऊगा? 3। तो इस केस दे विच कितनी आऊगी? भी 3। अगर ये ऑड आ जाता, मतलब टांक आ जाता, फिर उन्नी ही अपनी प्रतिबिंबा की संख्या होनी सी। नैक्सट, लुधियाना पंजाब का सब तो प्रदूषित शहर है, डीजल और पेट्रोल की बजाय सरकार ने प्रदूषण कंट्रोल करने लिए डैश की वरतों करने का आदेश दिता। तुसी भी देख रहे हो अजकल पेट्रोल डीजल आ जिहड़ा ज़्यादा महंगा हो गया है, तो लोगों ने जिहड़ियां अपने कारां ने किस्ते करवा लईआं ने भी CNG ते, ठीक है, तो यही कारण है भी डीजल ते पेट्रोल की बजाए सरकार ने प्रदूषण कंट्रोल करने लई CNG की वरतों करने का आदेश दिता। CNG मतलब कंप्रैसड नैचुरल गैस, पंजाबी दे विच नपीड़त कुदरती गैस। अध्यापक ने विद्यार्थियों नूं पढ़ाया कि हवा प्रदूषण करके हवा में CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस वधी है, जिस कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग दे की प्रभाव हैं? ग्लोबल वार्मिंग मतलब धरती के तापमान में वाधा हो रहा है। पहली ऑप्शन, तापमान में वाधा, इनक्रीज इन टैंपरेचर, ये सही है।
समुद्री तल विच वाधा, राइजन ओशियन लैवल, ये भी सही है। मतलब तापमान बदलने कारण जो समुद्र का लैवल आ वो भी ज़्यादा बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि ग्लेशियर है जो पिघल रहे हैं, बर्फ पिघल रही है। तो तीसरी ऑप्शन भी सही है, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर, ग्लेशियर का पिघलना। तो ये जी सही ऑप्शन है वह होगी साड़ी फोर्थ ऑप्शन, अपरोक्त सारे, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, दमनप्रीत ने पढ़ाया है कि सूर्य का अपना प्रकाश और ऊर्जा होंगी है, सूर्य में प्रकाश और ऊर्जा लिए जिम्मेवार क्रिया केड़ी है? केड़ी क्रिया? भी न्यूक्लियर क्रिया, न्यूक्लियर रिएक्शन, ठीक है। ये क्रिया सूरजी प्रकाश और ऊर्जा लिए जिम्मेवार है। राम और श्याम दोवें एक बक्से नूं एक ही दिशा में धक्क रहे हैं, उन्होंने द्वारा लगाए गए वाला जड़े आपस में की हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, ठीक है। कोई घट बल ला रहा, कोई दो मतलब ज़्यादा ला रहा, दोवों का बल जुड़ के लगेगा तो अगे बक्सा जरा मूव होना है, ठीक है। इन्हों के बल की हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। नेक्स्ट भी बुजो ने पहेली ने पूछा कि मैं बच्चों नूं एक दूजे नाल रबड़ के टायर या एक किसी घेरे नूं धक्क के धकेल के तेज़ चलाउण दा मुकाबला करते वेख्या है, तां धक्के नाल टायर दी चाल चाल किवें तेज़ हो जाती है? पहेली उसनूं दसदी है कि अजिहा हुंदा है क्योंकि जिहड़ा बल है वह गति दी वस्तु की गति की दिशा में लगता है। छोटे बच्चे अक्सर है जिहड़े टायर नूं डंडे नाल रोड़ के ले जाते, तुसीं देखे होणगे, ठीक है। तो वो मतलब उस दिशा में बल लग्या जिस दिशा में वस्तु गति कर रही है, ता करके वह टायर है जिहड़ा तेज़ भजदा है, ठीक है बेटा। 12वां क्वेश्चन, अध्यापक ने विद्यार्थियों को दस्सिया कि तरल में गति करने वाली वस्तुओं की शक्ल विशेष किस्म की बनाई जाती है, जिमें कि मच्छी विशेष आकार ना पानी में आसानी ना तेजी तेज़ गति कर सकती है। तरल में वस्तुओं के विशेष आकार के की कारण है? भी ऊर्जा की हानि नहीं होंगी, मतलब लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होंगे, इस ना घट हों, रगड़ बल घट लगता है, ये भी सही है। गति सौखी हो जाती है, मूवमेंट ईजी हो जाती है, ठीक है। तो ये सारी सही ने, उपरोक्त सारे, ऑल ऑफ द अबव। सहज ने मेले में एक खिडौना लिया जो सुनहरी सी, उसके माता जी ने कहा यह सोना नहीं सगो सोने की ये परत चढ़ी हुई है। इस क्रिया में असं की आखते हैं? बिजली मुलम्मा करना, इलैक्ट्रोप्लेटिंग, मतलब किसी होर धात की परत वे चढ़ाई होंगी है, मतलब अंदरों कुछ होर हों, बाहरों परत किसी होर मटीरियल की चढ़ाई होंगी, उसमें असं बिजली मुलम्मा करन इलैक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं। नैक्सट क्वेश्चन, राधा ने अपनी भैन में पूछा कि धरती वाग होर दूजे ग्रह पर जीवन संभव क्यों नहीं? तो उसकी भैन ने दसिया कि यह इसलिए संभव है क्योंकि धरती नीला ग्रह है और धरती ते डैश मतलब हवा ते पानी की उपलब्धता है, अवेलेबिलिटी ऑफ एयर एंड वाटर, उचित तापमान है, फेवरेबल टेंपरेचर है, ओजोन परत का कंबल है, ओजोन लेयर ब्लैंकेट है, ठीक है। ओजोन परत है, तापमान सही है, हवा ते पानी मौजूद है, इन्हां करके धरती ते जीवन संभव है, होर किसी ग्रह ते नहीं। तो इसलिए ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सारे ऑप्शन सही होंगे। जे कशीदत पानी विच कुछ लूण मिला दिता जाए तो कशीदत पानी डैश बन जाएगा, की बन जाएगा? भी एक गुड कंडक्टर बन जाएगा, वधिया चालक, मतलब बिजली नूं कंडक्ट करेगा, बिजली धारा उहदे विचों पास करेगी, करंट पास कर जाएगा। नैक्सट, शाम ने अज अखबार विच पढ़िया कि मौसम की भविखबाणी के अनुसार अज वर्खा होएगी, वो हैरान होया कि विज्ञानिक किवें मौसम की भविखबाणी का अंदाज़ा लगाउंदे हन। हेठलिखे विचों किहड़ा मौसम की भविखबाणी करन विच मदद करदा है? सूरज ग्रह, चन्न, बनौटी उपग्रह। आर्टिफिशियल सैटेलाइट जिहड़े मनुख द्वारा उपर भेजे गए ने पुलाड़ विच, वो है जिहड़े आपां नूं मौसम की जानकारी दिंदे ने, मौसम की भविखबाणी करदे ने। नैक्सट क्वेश्चन, सोहन अपने घर बैठा सी, उसने देखा कुछ कुछ सेकंडा विच धरती कंबन लगी और आले दुआले दीआं वस्तां हिलण लगियां। इस घटना नूं असीं की आखदे हां बेटा? की आखदे हां? बहुत सिंपल है, तां अर्थक्विक, भूचाल, ठीक है। नैक्सट क्वेश्चन, रुख साडे वातावरण के प्रदूषण नूं घटाउण में सहायता करते हैं, हर साल जुलाई के महीने में लखां रुख लोगों द्वारा लगाए जाते हैं, इस मौके नूं असीं की बोलते हैं? वन महोत्सव, ठीक है। इस मौके नूं असीं की बोलते हैं बेटा? वन महोत्सव, जुलाई महीने में यह मनाया जाता है, तो इस दौरान बड़े रुख आ जिहड़े लोगों द्वारा लगाए जाते हैं। नैक्सट क्वेश्चन, राम बहुत खुश है, उस कोल इलैक्ट्रॉनिक अते इलैक्ट्रिकल उपकरण जिवें कि फ्रिज, एयर कंडीशनर मतलब एसी आदि भी हैं, पर उसनूं यह नहीं पता कि जंतर प्रदूषक नहीं मतलब प्रदूषण छड़दे हैं जिस नाल ओजोन परत खराब हो जाती है,
उन्हां द्वारा जारी किया जाता मुख्य प्रदूषण डैश की है भी CFC मतलब क्लोरो फ्लोरो कार्बन। ठीक है, इन्हां द्वारा किहड़ा प्रदूषण छड्डिया जाता बेटा, क्लोरो फ्लोरो कार्बन जिन्हों असी शॉर्ट फॉर्म च लिखते हैं CFC। नैक्सट, एड्ज एक रोगी व्यक्ति तो तंदुरुस्त व्यक्ति द्वारा व्यक्ति तक डैश द्वारा फैलता है, किस द्वारा, खून चढ़ाउन ते। ठीक है, जे असी रोगी व्यक्ति का खून एक सेहतमंद व्यक्ति नूं चढ़ावांगे तो उस नाल उस तो बीमारी है जिहड़ी दूसरे व्यक्ति तक फैल सकती है एड्ज की। ठीक है, नैक्सट, गुरप्रीत के पिता जी एक किसान हैं, उन्होंने खेतों में चावल की फसल बीजी है। गुरप्रीत जानना जानता है कि चावल खरीफ की फसल है, परंतु वो जानना चाहता है कि खरीफ की फसलों की खेती साल के किहड़े महीनों दौरान की जाती है। की तुसी इसका उत्तर जानते हो? हुण तुहानू पता भी जिहड़े चावल है किहड़े महीने तो किहड़े महीने चलते बेटा, जून के महीने तो सितंबर तक। ठीक है, जिहड़ी खरीफ की फसल हुंदी है वो जून तो सितंबर तक चलती है। ठीक है जी, ये दूसरियां फसलां होंदियां रबी दियां जां असी हाड़ी दियां फसलां वो अक्तूबर तो मार्च तक चलदियां। नैक्सट, जसलीन अपने खड़ौण कार नूं गिले फर्श सुके फर्श फर्श ते बिछाए अखबार अते तौलिए ते चलाउंदी है तां कार विच वख वख सतह ते लगे रगड़ बल दा वाधा करम की है, मतलब किस दे विच सब तो घट लगू फिर उस तो बाद फिर उस तो बाद तां जिहड़ा सब तो घट लगेगा वो लगेगा गिले फर्श ते। ठीक है, उस तो बाद जिहड़ा रगड़ लगेगा उस सुके फर्श ते फिर अखबार ते लगेगा फिर कितने लगेगा भी तौलिए तो सब तो बाद रगड़ वाल लगेगा, तो फस्ट ऑप्शन है साड़ी सही आ जूगी। दीपक हाकी खेडते समय मैदान में गेंद नूं किक मारदा वो की कर रहा है? की कर रहा भी, गेंद की गति बदल रहा है। ठीक है, तो गेंद की गति की दिशा बदल रहा है, गेंद का आकार बदल रहा है, प्रोक दोवें मतलब एक आते दो दोवें, तो जदों वह किक मारदा भी तो की कर रहा हो, गति की दिशा भी बदल रहा है, गति की गेंद की गति भी बदल रहा है, तो जिहड़ी गति है गेंद की, ठीक है, वो दिशा भी बदल रहा है, दोनों चीज़ा बदल रहा, गति बदल रहा है तो गति की दिशा भी बदल रहा है, मतलब फोर्थ ऑप्शन है साड़ी सही आजूगी, एक आते दो दोवें। नैक्सट, मनप्रीत ने टीवी विचों सुनिया कि समुद्री गोताखोर एक विशेष किस्म का सूट अपने बचा लिए पाते हैं क्योंकि समुद्र में डूंघाई वधण नाल पानी का प्रैशर यानी कि दबाव जिहड़ा वो वध जांदा है, कि वधदा भी नीचे नूं जांदे आ प्रैशर दबाव वधदा है, मतलब पानी है जिहड़ा गोताखोर नूं जां जिहड़ा भी व्यक्ति अंदर नीचे गया उहनूं थल्ले वल नूं धक्कदा है, दबाव वधदा प्रैशर वधदा। नैक्सट, अध्यापक ने ब्लैक बोर्ड ते चाक नाल लिखदे हुए विद्यार्थियों नूं सवाल किया कि की होवेगा जेकर बोर्ड अते चाक विचकार किसी भी तरह का रगड़ वल ना होवे, तां की होएगा भी ब्लैक बोर्ड ते चाक नाल लिखिया नहीं जाएगा, ब्लैक बोर्ड ते असी चाक नाल नहीं लिख सकते। ठीक है, नैक्सट, साइंस लैब विच रोहित करंट दे बिजली प्रभाव वाला प्रयोग कर रहा सी, प्रयोग दौरान उसने वेख्या कि जदों घोल विच बिजली धारा प्रवाहित की गई तो इलैक्ट्रोडां उत्ते गैसां दे बुलबुले बनते हैं, ये बुलबुले किसते हैं, किसते ने भी ऑक्सीजन ते हाइड्रोजन ने बेटा, ये दो टर्मिनल होंगे ने, एक नूं असी लिखते हैं एनोड, एक नूं असी लिखते हैं कैथोड। ठीक है, तो एनोड ते साड़ी ऑक्सीजन गैस बनती है, ठीक है, तो कैथोड ते साड़ी हाइड्रोजन गैस बनती है, तो दो गैसा निकल दी ऑक्सीजन ते हाइड्रोजन। अगे है अपना, किसी चार्जित वस्तु तो चार्ज धरती में भेजन की किरिया को असी की बोलते हैं, भौं संपर्क अर्थनिंग। ठीक है बेटा, नैक्सट, हरजीत चन्न दियां अलग अलग शक्लों बारे जानना चाहता है, उसने दसिया उसकी अध्यापक ने दसिया कि इन चन्न दियां अलग अलग शक्लों डैश कहते हैं, कि आखते हैं भी चन्न दियां कलावां फेजिज ऑफ मून, जिदे विच चन्न छोटा उस तो बड़ा अद्धा पूरा वो दिखाई दिंदा। ठीक है बेटा, किहड़े रसायन की वरतों पानी शुद्ध करने लई कीती जांदी है? वाइट जां पाउडर आपां अक्सर पानी दे विच देखदे आ जो अपने घरां विच टूटियां विच पानी आउंदा तां उह की हुंदा बेटा, क्लोरीन, क्लोरीन आ जिहड़ा उह पानी नूं शुद्ध करने लई पानी विच पाया जांदा।
अध्यापक जमात विच हैले धूमकेतू बारे जानकारी दे रहा सी। उन्होंने दस्या कि हैले धूमकेतू धरती दे कोलों डैश साल बाद लंघदा, किन्ने सालों बाद? भी 76 साल बाद। ठीक है, ये सी अपना लास्ट प्रैक्टिस टेस्ट पेपर जमात 8वीं साइंस ले। तो मैं उम्मीद है तुहानू ये समझ आ गया होएगा। थैंक यू बेटा।